जीआरपी में तैनात एक सिपाही का समय अवधि पूरी होने के बाद उसका तबादला झांसी हो गया। सिपाही के ट्रांसफर की खबर मिलते ही निशुल्क पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं और उनके परिजनों के आंसू नहीं थम रहे थे। वहीं बच्चों और अभिभावकों द्वारा उन्हें अनोखी विदाई भी दी गई। ढोल ताशों के बीच जीआरपी सिपाही को विदाई दी गई। वहीं बच्चे अपने टीचर के जाने के दुख में लिपट लिपट कर रोते हुए नजर आ रहे हैं। यह तस्वीरें गुरु शिष्य के रिश्ते की झलक दिखा रही है। आपको बता दें कि साल 2018 जून माह में 2005 बैच के सिपाही रोहित का तबादला झांसी सिविल पुलिस से लखनऊ जीआरपी हो गया था। जीआरपी में आमद कराने के बाद उनको उन्नाव रेलवे स्टेशन भेजा। ड्यूटी ज्वाइन करते ही उन्हें कोरारी रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी लगा दी। ड्यूटी के दौरान ही उन्हें वहां आसपास के रहने वाले बच्चे स्कूल न जाकर खेलते और घूमते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद उन्होंने उनके परिजनों से स्कूल भेजने को लेकर बात की, लेकिन परिजन भी इस बात को अनसुना कर गए। रोहित ने अपनी ड्यूटी रात्रि शिफ्ट लगवा कर वहाँ के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए संकल्प लिया और रेलवे स्टेशन के परिसर में ही खुली छत के नीचे 5 बच्चों से पढ़ाई की शुरुआत कराई। कुछ महीने बाद पढ़ाई को देख और भी बच्चे जुड़ने लगे। इसी तरह से क्षेत्र के भी कई लोग उनसे जुड़े और बच्चों की शिक्षा के लिए मददगार बन गए। धीरे धीरे उनके पास पढ़ने वालों की संख्या 150 हो गई। अब तबादला होने के बाद बच्चों और सिपाही रोहित के आंसू नहीं थम रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं अनोखी विदाई देते हुए जीआरपी सिपाही टीचर रोहित को ढोल और ताशों के बीच रवाना किया गया। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।